माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम शाम 10 बजे रामलीला ग्राउंड लाइन पार्क द्वारा माननीय जिले के सभी मेयर प्रत्याशी पंचायत और नगर पालिका प्रत्याशी समर्थन में जनसभा करते आ रहे हैं। पार्टी की ओर से सारी व्यवस्था मंच माई हेलीपैड सारी व्यवस्था हो गई है और प्रभावी कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। उनके उद्बोधन के बाद देश भर प्रदेश की तरह उत्तर भारत में भी कमल प्रभावकारी तरीके से खिलेगा ऐसा मुझे विश्वास है। कि पूरे शहर में एक मामला चल रहा है कि जान से निजात दिलाने के लिए जहां एक कार अगर मुख्यमंत्री को लेकर जाया जाए तो मुख्यमंत्री को ये बात पूर्व संज्ञान चाहती है किस तरह का माहौल है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मुरादाबाद की समस्याएं हैं और ये समस्याएं आज की नहीं है, अभी 6 महीने पहले प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर मिला है। लोग जिन लोगों ने 15 साल और 75 साल राज करा है देश में, इस बात की जवाबदेही वो लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं। हम लोगों ने जिन एजेंडे के साथ लोकसभा और विधानसभा में जनादेश मांगा है जनता से, लोकसभा में 2019 में हम जब चुनाव में जाएंगे तो उन बातों का जवाब देंगे जो हमने 2014 में कही, और 2022 में जब हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो 2017 में जो जो विषय हमने जनता के बीच रखे हैं उनकी समीक्षा के साथ प्रगति रिपोर्ट लेकर चुनाव में जाएंगे। आप बात तो नगर निगम में हम कह रहे हैं, हमने संकल्प में अपने संकल्प पत्र में बातें कही हैं, उनमें जाम का भी एक विषय है और सरकार की प्राथमिकताओं में है जनता से जुड़े विषय, और हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब विषयों के प्रति गंभीर है। बात करें कल की तो आजम खान जी ने रामपुर के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगातार हमला करा है, उनके लिए क्या आजम खान को बहुत गंभीरता से लेता नहीं है और वो उनके सीधे बयान के लिए जाने जाते हैं, मुझे इसमें कुछ उनको गंभीरता से नहीं लेते। एक छोटा सा सवाल, मुख्यमंत्री लीलाज साहब यहाँ पर आ रहे हैं इंद्रगढ़ में, वो जगह जगह रह रहे हैं, तो एक विपक्ष ने एक सवाल उठाया कि निकाय चुनाव में भाजपा हार की कगार पर है इसलिए योगी जी को खुद कमान संभाल। योगी जी प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं और वो इसने नगर निकाय चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हमेशा गंभीरता से लड़ती रही और अच्छे परिणाम हम देते रहे हैं, तो अपनी सरकार की प्राथमिकताओं के साथ अपनी पार्टी के साथ हम सब लोग संगठित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें सम्मिलित हैं, इस अभियान को गति दे रहे हैं और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थकों का वोटर का मनोबल बढ़ेगा और राजनीतिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। तो क्या ये जो चुनाव हो रहा है क्या इनको 2019 का चुनाव सब लोकतंत्र में सभी दलों के लिए सभी राजनीतिक विचारों से जुड़े हुए लोगों के लिए परीक्षा है,